तो जय हिंद साथियों, मैं नितेश आर चाम तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। होप करा तुम लोग अच्छा ही कर रहे होगे, आशा है। निराश मत करना। बस आज हम लोग बात करेंगे वह तुम्हारा बैकलिंक्स के ऊपर, डिटेल से बात करेंगे क्योंकि बहुत दिन से बनाने का प्लान कर रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था। बैकलिंक्स डिटेल्स में A to Z तक क्या करे, कैसे करे, अभी का क्या अपडेट है। 2020 जानते हो कि बहुत कुछ चेंजेस हो गया है, तो नया साल का क्या प्लानिंग किया जाए। वीडियो को पूरा देखो, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन जो भी डाउट्स है सब क्लियर कर दूंगा यार, पूरा पूरा क्लियर कर दूंगा, प्रयास तो रहेगा। फर्स्ट ईयर बैकलिंक्स, तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ इसके ऊपर, बैकलिंक्स के ऊपर, कि जो बैकलिंक्स का जो सिस्टम है बहुत पुराना है यार। अब वो पता नहीं कि बैकलिंक बनाकर साइट रैंक कर लेंगे, तो वो नहीं रहा पहले ऐसा। ठीक है, पहले क्या था कि जिसके पास ज़्यादा बैकलिंक्स है, क्वालिटी हो या ना हो, टॉप में आ करता था सिर्फ बैकलिंक की वजह से। यहाँ तक कि डोमेन नेम फेमस भी ना हो, कुछ भी ना हो डोमेन नेम में, कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई फेमस ब्रांड नहीं, बस जेनरिक नाम है, बस बैकलिंक चेंज हो रहा है, तो बस वो रैंक कर जा रहा है। ठीक, और मैं खुद देखता हूँ, कई सारे लोग को देखता हूँ जो यार अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग जो है बिल्डिंग में लगे हैं बैकलिंक्स में, जहाँ तहाँ प्रोफाइल बना रहे। मैं भी कुछ टाइम पहले करता था यार, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा मैं नहीं करता था, मैं भी साल डेढ़ साल पहले जो है बोला जाए तो बैकलिंक के पीछे बहुत पड़ता था। जहाँ तहाँ से प्रोफाइल में, फेसबुक का प्रोफाइल हो, ट्विटर का प्रोफाइल हो, जहाँ तहाँ जहाँ मिल जा रहा है, जहाँ अलग अलग फॉर्म मिल रहा है, सब जगह जगह का अपना जो है डोमेन नेम पेश करता था कि हाँ बैकलिंक मिलेगा, साइट रैंक करेगा। ठीक, डू फॉलो बैकलिंक्स, खासकर डू फॉलो बैकलिंक्स, क्योंकि बैकलिंक्स में भी दो बैकलिंक्स होता है, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। तुमको आइडिया नहीं होगा सर्च करना क्या होता है। ठीक, अभी क्या है, 2020 का क्या है, तो 2020 में ये अवस्था है यार कि तुम्हारा डू फॉलो हो या नो फॉलो हो, लगभग सब सेम ही आ गई है। सर मैं क्या बोला हूँ, डू फॉलो हो या नो फॉलो हो, लगभग दोनों सेम आ गया है। अब पूरा का पूरा ट्रैफिक इंगेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें किसी बैकलिंक से ट्रैफिक आता है, चाहे वो नो फॉलो ही क्यों ना हो, कहीं तुम कमेंट कर दिए कमेंट सेक्शन में जहाँ पर लोग कमेंट को पढ़ रहा है, नो फॉलो बैकलिंक है। ठीक, लेकिन वहाँ से अगर ट्रैफिक आ जाए तुम्हारे साइट में, विजिटर इंगेज कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, एलास्टिक थ्रू गूगल को रिपोर्ट जा रहा है कि हाँ साइट अच्छा है, लोग को पसंद आ रहा है, वो तुम्हारा साइट को पसंद देगा, साइट तुम्हारा जल्दी रैंक करेगा, वही तुम्हारा डू फॉलो क्यों नो बैकलिंक हो। विजिटर आ रहा है लेकिन उसको साइट पसंद नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, या फिर तुम्हारा साइट को एक बार खोल रहा है दोबारा नहीं खोल रहा है, शेयरिंग नहीं हो रहा है, इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, वो रैंक नहीं करेगा। ठीक है, पूरी तरह से बैकलिंक का नहीं घटाया है अभी तक, अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। देखो तो बैकलिंक तो सर्च इंजन हमेशा यूज़ करेगा, जहाँ तक मुझे जो समझ में आता है, सर्च इंजन जो है बैकलिंक्स का यूज हमेशा करेगा, हमेशा, लेकिन वो बस एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा हमेशा के लिए, जितना भी अपडेट है फ्यूचर में। पहले क्या था, रैंकिंग फैक्टर था, अब क्या है कि सपोर्टिंग रैंकिंग फैक्टर हो गया, मतलब रैंक कर लो सपोर्ट करेगा पहले। अब 3 साल से तो ये हो रहा है, अब जो और एडवांस हो गया, अब जो डू फॉलो और नो फॉलो का भी जो गैप था खत्म हो गया, ऑलमोस्ट गॉन। ठीक है, पूरी तरह से समझ लो खत्म हो गया। इसीलिए जो वर्डप्रेस देखोगे, वर्डप्रेस अब जो आ रहा है, जितना वर्डप्रेस का नया वर्जन आ रहा है, उसमें देखोगे नो फॉलो करने का ऑप्शन नहीं रहता लिंक में, क्योंकि अब वो सब बाय डिफॉल्ट डू फॉलो दे रहा है, क्योंकि पता है उसको कि नो फॉलो डू फॉलो अब सेम रह गया। ठीक है, अब जो है नो अपना अड़ी अपना जो टैग आ गया है, जो नो फॉलो था वो ख़त्म हो गया। तो जितना भी लोग है जो अभी भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं बैकलिंक वाले चक्कर में कि हाँ वहाँ से बैकलिंक लेंगे, यहाँ से बैकलिंक लेंगे तो मेरा रैंक हो जाएगा, अब थोड़ा बहुत अटेंशन बढ़ेगा सच इंजन के लिए तुम्हारा साइट पर, सच इंजन तुम्हारा साइट ज़्यादा ध्यान देगा, हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए अप डाउन करे ट्रैफिक, लेकिन तुम सोचोगे सिर्फ बैकलिंक से मैं रैंक कर लूँगा तो होने वाला नहीं है। अब और कठिन हो गया जब से, तो अभी इसका जो कुछ उस चेंजेस हुआ है, आप देखो समझ लो कि तुम्हारा डू फॉलो हो या नो फॉलो हो सेम, डू फॉलो नो फॉलो दोनों सेम हो गया, दोनों को दोनों सेम, लगभग सेम हो गया, थोड़ा सा अभी भी है पावर डू फॉलो में, लेकिन समझ लो कि लगभग पूरा सेम ही हो गया। तो इस चक्कर मत रहना कि मुझे सिर्फ डू फॉलो ही बैकलिंक चाहिए, कहीं जा रहे हो तुम, कहीं किसी ब्लॉग में बात कर रहे हो या किसी में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इससे कम उतरना कि ना मुझे नो फॉलो मिलेगा तो मैं क्यों लिंक दूँ, ऐसा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ से ट्राफिक का संभावना है, तो वहाँ तुम लिंक दे दो अपना साइट का, सिर्फ ट्राफिक के लिए। ठीक है, सिर्फ ट्राफिक के लिए ये हमसे याद रखना कि साइट जब पूरा कंप्लीट रेडी हो जाए, परफेक्ट हो जाए, बेस्ट हो जाए, तभी यार उसको यार तुम लिंक विंक शेयर करना,
ऐसा नहीं कि साइट अभी इस कंस्ट्रक्शन मोड में ही है, पूरा कंटेंट रेडी नहीं है, पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, सब कुछ रेडी नहीं हुआ, अचानक से लिंक देना सही नहीं होगा। ये तो लिंक दे दिए, विजिटर आया उसको पसंद नहीं है, वापस भाग गया। हो सकता है कि जो तुम्हारा रैंकिंग हो उससे आप घट ही जाए, बढ़े ना, ये हो सकता है। ठीक, एक और जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि बैकलिंक देना किसी को सही होगा, मान लो मेरा फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है या फिर कोई और भी नेटवर्क का वेबसाइट है तो उनको बैकलिंक देना सही होगा। तो यार ये जो है ना बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है कि ऐसा देना कि बैकलिंक देना सही होगा कि नहीं होगी। मैं बहुत लोग को देखा हूँ, पर्सनल से बोल रहा हूँ यार, कि बहुत लोग देखा हूँ कि बैकलिंक दिए किसी और को और उनका रैंकिंग घट गया। ऐसा कोई एडसेंस का गूगल का रूल नहीं है, लेकिन देखा हूँ कि वो किसी और को बैकलिंक दिया है और वो जो है घट गया है। जहाँ तक सुन में आता है कि हो सकता है कि वो जो साइट है जिसको तुम बैकलिंक दे रहे हो उसमें वो क्वालिटी नहीं होगा, विजिटर तो जा रहा है उसके साइट में तुम्हारे वेबसाइट के थ्रू, या फिर तुम्हारे वेबसाइट की वजह से गूगल से एडसेंस दे रहा है, दिख रहा है क्वालिटी नहीं है, बाउंस बैक हो रहा है, स्पैमिंग साइट लग रहा है, तो तुम्हारा उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही। तो तुम किसी को भी बैकलिंक दे रहे हो सोच समझ के बैकलिंक दो, क्यों दे रहे हो बैकलिंक, ऐसा ना कि तुम्हारा साइट घट जाए डाउन, जिस तुम बैकलिंक दे रहे हो उसका अप हो जाए। ये भी होता है, ये भी होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कि मेरे पास साइट है एक एज काउंटर के ऊपर, ठीक, मेरा कीवर्ड है एज काउंटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोगों को। अब मैं अपना साइट खुला हूँ ajkarugo.com, अब मेरा एक फ्रेंड ने बोला भाई मुझे भी देना बैकलिंक, मैं भी ऐसा ही खुला हूँ साइट, मेरा साइट का नाम है बेस्ट एज कैलकुलेटर। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, दोनों का सेम नीज हो गया। अभी तो टू सोलह वेबसाइट है, विजिटर को एक ही साइट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन वाला साइट तो नहीं है, न्यूज वाला साइट तो है नहीं कि लोग अलग अलग साइट से रिसोर्स निकालेगा, उसको बस एक ही चीज़ चाहिए, जहाँ मिल जाएगा वो हो जाएगा। मान लो तुम उसको लिंक दे देते, तुम्हारे से बाउंस पे वहाँ जा रहा है, उसको वो उसका डियान अच्छा लग गया, वो बुकमार्क कर लिया, वो शेयरिंग होने लगा, वो रैंक कर जाएगा, तुम्हारा घट जाएगा रैंक। ये है अवस्था। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई, बहुत लोग तुम देखो आर्टिकल पढ़ोगे ऑनलाइन, बहुत सारे आर्टिकल में मेंशन होता है कि जो निस पर तुम काम कर रहे हो उसी निस को बैकलिंक दो जल्दी रैंक करता है, बकवास है, पूरा पूरा बकवास है। मैं तो बोलूँगा उल्टा, जो तुम्हारा निस है ना तुम उसके उल्टे निस को बैकलिंक दो यार। अगर तुम्हें बैकलिंक देना है तो अपने वेबसाइट से बैकलिंक देना है तो, हाँ अगर तुम कंटेंट लिख रहे हो तो कंटेंट में तुम लिंक दोगे तो तुम यार जो तुम कंटेंट लिख रहे हो उसके हिसाब से लिंक देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो तुम मेन्यू में दे रहे हो लिंक या फोटो में किसी को लिंक दे रहे हो तो पूरा उसका अपोजिट होना चाहिए, ताकि जो वो यूजर बेस जो है तुम्हारा इधर से भाग के उधर ना चल जाए, उसको जो जिसको तुम बैकलिंक दे रहे हो उसको पावर ट्रांसफर हो, लेकिन जो तुम्हारा जो खुद का यूजर बेस है वो डाउन ना हो जाए। ठीक है, तो बैकलिंक देना है तो सोच समझ के देना। और बहुत लोग बोले थे खरीदने का क्या मामला है, खरीदने का क्या मामला है, खरीदे कि ना खरीदे। तो देखो तुम्हें बैकलिंक खरीदना है तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम वही बैकलिंक खरीदा जिसमें तुम्हारा ट्रैफिक मिलता है। हालांकि ये सब बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब पर, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इतना ही तुम बोलूँगा कि पता नहीं यूट्यूब शायद हिंदी समझता नहीं होगा उतना अच्छा से। डायरेक्ट ईमेल उमेल करके बैकलिंक नहीं खरीदेगा, व्हाट्सअप करोगे उस बंदे जिस किसी से तुम्हें बैकलिंक लेना है तो उसे व्हाट्सअप करोगे, उसके बाद जो तुम्हें जो भी तुम्हारा बात करना बात कर लोगे, फाइनल कर लोगे अपना जो भी करना है। खरीदने की बात नहीं कर रहा, मतलब तुम वो तुम्हें दे देगा लिंक, तुम उसको लिंक दे दोगे, तुम्हारे पास मल्टीपल साइट है उसके पास मल्टीपल साइट है, दोनों का अलग अलग नीस का वेबसाइट है तो लिंक दो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। लेकिन तुम्हारा जिस नीस पर साइट है उसी नीस पर उसका भी साइट है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हो सकता है कि उसका विजिटर तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारा विजिटर उसके पास ले जाए। ठीक है, एक ही नीस का लिंकिंग करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा सब साइट तुम्हारा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि मेरे पास ही खुद का मल्टीपल वेबसाइट है, इसी ऑटो को एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पाँच छः मेरे पास ही वेबसाइट है तो मैं सबको लिंक करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई किसी और को मैं लिंक कर रहा हूँ, किसी और को मैं किसी और फ्रेंड को मैं लिंक दूंगा यार अपने साइट से और उसका साइट भी वैसा ही है तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है, तो रिस्क फैक्टर है, हो सकता है कि मेरा घट जाए उसका रैंक हो जाए। ठीक है, तो ये जो है बैकलिंक का थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है पहले से। डू फॉलो नो फॉलो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तुम्हें जहाँ भी मिलता है ट्रैफिक का सोर्स वहाँ पर लिंक पेस्ट मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ग्रुप है लिंक मार दो, साइट लेके रेडी हो जाए तभी। एक चीज़ हमारे रखना है, कंटेंट सुप्रीम है, कंटेंट सुप्रीम है, चाहे जितना भी लोग यूट्यूब में कचरा भर दे, मेन बात वही है कि जो तुम्हारा कंटेंट रहेगा वही बेस्ट रहेगा, और वही बेस्ट रहेगा तभी तुम्हारा रैंक होगा। ठीक, थोड़ा बहुत जो मैटर करता है वो रहता है तुम्हारा डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी दो तरह का होता है यार, एक होता है कि तुम्हारा साइट का पहले से अच्छा रहा है हिस्ट्री, अच्छा से तुम कंटेंट दी हो तो गूगल उसको ज़्यादा अटेंशन देता है कि ये बंदा जो है अच्छा साइट है, पहले भी अच्छा सा कंटेंट दिया है तो उसको थोड़ा सा पुश करता है। दूसरा होता है टोटली डोमेन नेम, डोमेन नेम ही ऐसा है कि लोग उसमें क्लिक मारे बार बार,
जैसे कि मान लो कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, आज तक है, या कोई न्यूज वेबसाइट है, जो फेमस ब्रांड हो या फिर ट्रस्टेड ब्रांड हो, डब्ल्यूएचओ वेबसाइट हो, विकिपीडिया हो, उसमें क्या कोरा हो, वो क्या है कि एक हम लोग का जो भी विजिटर है उसके माइंड में है कि हाँ मुझे इस साइट में इन्फॉर्मेशन मिलता है, मुझे इस साइट में आंसर मिलता है। तो भले ही नीचे अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो बंदा क्या करेगा, कोरा में घुसेगा, कोरा में भले शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है तो उससे वो सेटिस्फाई होता है। ये मैं देखा हूँ। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी जो है, एक तुम्हारा तुम्हारा जो साइट है पीछे कितना अच्छा अच्छा कंटेंट दिया है, उस हिसाब से गूगल उसको देता है अटेंशन या फिर प्रायोरिटी देता है कि हाँ किसको मुझे आगे रखना है। दूसरा क्या है कि विजिटर देता है अटेंशन कि हाँ ये साइट जो है मुझे पहले अच्छा अच्छा कंटेंट दिया है, मैं इसको खोलूँगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? मान लो कि मैं पहले कई सारा क्वेश्चन सर्च मारा हूँ गूगल में और मुझे कोरा कोरा में आंसर मिल गया है, तो मैं क्या करूँगा कि जब भी कुछ सर्च मारूँगा कोरा देखिएगा, कोरा में क्लिक मारूँगा। ठीक, कोरा में ही क्लिक मारूंगा। तो क्या होता है, कई बार ऐसा तुम देखोगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कोरा में, तब भी वो रैंक कर रहा है। सिर्फ बंदा लोग क्वेश्चन पूछ दिया कि हाँ भाई किसको कैसे सॉल्व किया जाए, और उसके आंसर और भी साइट है जो दिया हुआ है, लेकिन तभी जो कोरा रैंक कर रहा है, क्योंकि लोग पहले जो उसमें क्लिक मारते हैं। हाँ, फिर बाउंस बैक हो रहा है तो फिर हो सकता है कि अप डाउन हो, लेकिन अधिकांश तुम देखो कोरा तुम्हारा रैंक करता है, एकदम लिटिल कंटेंट होने के बावजूद भी, एकदम कम से कम कंटेंट तभी जो है वो कोरा रैंक कर रहा है। और कोरा में तुम लोग भी कर पा रहे हो, मतलब कंटेंट लिख सकते, इम्बेड कर दे रहे लिंक, तो तुम्हारा अच्छा है तुम्हारा साइट का। ये कोरा में तुमको या नो फॉलो लिंक मिलेगा, लेकिन जो ट्रैफिक जाएगा वहाँ से तुम्हारा हुआ रैंकिंग में बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा, बहुत ही बड़ा। तो इससे का मतलब ना कि ना नो फॉलो मिल जाए तो मैं छोड़ ही दूंगा। ठीक, हालांकि मैं नहीं करता हूँ। देखो मेरा चैनल का मोटो ही रहा है स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। ठीक है, लेकिन तुम लोग को इस कॉन्टेंट बेस पर काम कर रहे हो, अगर तुम चाह रहे हो कि उसको पुश करना, उसका रैंकिंग में तुम्हें इसको बीट करना है, तो तुम यार बैकलिंक कर, तुम्हें लेना है, इंगेजमेंट बढ़ाना है, तुम्हें यार जहाँ तक शेयर करना पड़ेगा कोरा वोरा से, तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रैफिक लेना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि एकदम मिनिमम काम करना पड़े, एकदम मिनिमम स्मार्ट वर्क, तो मैं बस वही बोलूँगा, तुम कीबोर्ड से ध्यान दो जितना आवश्यक उतना। अच्छा कीबोर्ड से करना सीख गया तो यार तुम्हारे लिए सब काम ईजी हो जाएगा। एकदम लो कमर्शियल किट पकड़ोगे वो जो तुम कॉन्टेंट लिखे, संग संग रैंक हो जाएगा। तुम्हें बैकलिंक लगेगा ही नहीं, तुम्हें बैकलिंक का हेल्प लगेगा ही नहीं। ठीक, साइट पर ध्यान दो, सागर ज्ञान पर ध्यान दो, ऑप्टिमाइज करो कैसा लग रहा है। साइट डाउन नहीं होना चाहिए, बहुत लोग का देखा हूँ अभी, मेरा कैसा स्टूडेंट जिनका जो है साइट ठीक ठाक चल रहा था, गड़बड़ कर दिए HTTPS हिंदे में, कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लिए, कुछ उस्टा कुछ कुछ कर दिए, कांड साइट गधे में चला गया, क्रैश हो गया साइट, पूरा रैंकिंग खटक। अब उसको उठाना बड़ा कठिन काम है दोबारा जो साइट अगर डाउन होता है उसको उठाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और नया साइट आ गया है वो कंटेंट दे पा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अपना साइट का, यूट्यूब डाउन जो मेरा टॉप में रैंक कर रहा है, यूट्यूब थमेडा ऑर्डर, वो मेरा इसलिए रैंक नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा बेस्ट कॉन्टेंट है, बेस्ट डिजाइन है। मेरे से पहले भी एक बंदे का था जो बेस्ट था, अच्छा कॉन्टेंट था, लेकिन वो मिस्टेक कर दिया, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था CSS में, तो उसका साइट जो क्रैश हो गया था, मतलब साइट खुला था लेकिन डिजाइन से नहीं खुल रहा था, जिसके से लोग बाउंस बैक किए, मेरे साइट में घुसे, मेरा जो टॉप में आ गया। अब वो बंदा अपना साइट ठीक कर लिया, तब भी उसका रैंक नहीं आ रहा टॉप में, क्योंकि जो साइट टॉप में आ गया ना यार, लोग उसमें घुस रहे हैं, लोग उससे खुश है, तो गूगल फिर उसको डाउन नहीं करता है, बहुत ही रेयर उसको डाउन करता है, बहुत ही रेयर। ठीक है, तो बैकलिंक का यही है कि ज़्यादा बैकलिंक पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हें ट्रैफिक मिलने का लग रहा है संभावना है तो ट्रैफिक तब ठीक है, उसमें लग रहा है ट्रैफिक मिलने का संभावना तो ठीक है। अगर ट्रैफिक मिलने का संभावना नहीं है तो मैं बोलूँगा तुम अपना टाइम उसमें स्पेंड मत करो, उससे अच्छा है तुम कीबोर्ड सर्च करो, अलग अलग कीबोर्ड ऑन करो और कंटेंट लिखो यार, लंबा लंबा कीबोर्ड पर कंटेंट लिखो, अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए। बैकलिंक से कम मत रहो। और जितना भी लोग बोलते हैं ना कि इतना ये ट्रिक है, इतना बैज अलर्ट कर लो, उतना उतना मैं भी करता था एक टाइम में यार। तुम देखो कोर्स में भी जो है मैं खटा दिया हूँ अभी बैकलिंक जनरेटर प्लस लिंक्स विंक्स, लेकिन पहले मैं करता था उसको यूज 1 साल पहले, अब मैं उसको नहीं करता हूँ। अब पूरी तरह से मैं बोल नहीं सकता कि पूरा काम करता है कि नहीं करता है, पूरी तरह से मैं भी श्योर नहीं हूँ। ठीक, लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम कर सकते हो, जो जनरेटर है बैकलिंक जनरेटर तुम यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ खास नहीं करेगा काम। ठीक है, इतना तो मैं सिर्फ कुछ खास काम नहीं करेगा, क्योंकि यार पॉलिसी चेंज हो गया, कॉमन सेंस है यार, जो भी सर्च इंजन है अभी यार कॉमन सेंस पर काम कर रहा है। कॉमन सेंस क्या है, कंटेंट अच्छा है तो यार रैंक होगा ही, विजिटर को खुश रखना है ना, जो विजिटर आ रहा है सर्च करने सर्च इंजन में, तो उसको तो खुश रखना है गूगल को, तो उसको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो बेस्ट साइट में अवेलेबल हो और जो साइट को विजिटर पसंद करता है। ठीक है, तो बैकलिंक चक्कर में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, कीबोर्ड पर ध्यान दो। ठीक, अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा साइट कोई ऐसा निश पर है जिसमें पहले से कॉम्पिटिटर है और उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, और फिर भी मेरा साइट गूगल ऊपर नहीं रख रहा है,
तब इस मामले में तुम या ट्रैफिक खरीद सकते हो, चाहे गूगल एड्स से हो, चाहे फेसबुक से हो, या फिर तुम किसी से लिंक ले सकते हो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में मेन्यू के अंदर टॉप हेडर सेक्शन में, ताकि वहाँ से तुम्हें कुछ ट्रैफिक आए और इनिशियल कुछ ट्रैफिक से तुम्हारा साइट जो रैंक करे। ठीक है, वीडियो चला तो लाइक कर दो, नहीं लगा डिसलाइक कर दो। कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आस कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं बहुत लेट से रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई जरूर करूँगा।